बायोमेट्रिक के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, BIL क्या होता है, कंसेंट फॉर्म हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, VFS सेंटर हमें कितने टाइम पहले पहुंचना है हमारी बायोमेट्रिक के लिए, आज की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज परमजीत शर्मा। सो आज की वीडियो हमारी डेडिकेटेड होगी बायोमेट्रिक के प्रोसीजर के ऊपर। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बायोमेट्रिक का प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। मेनली हमें फोर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा पासपोर्ट होता है, जो कि हमें कंपलसरी है, उसके बिना हमारा वेरिफिकेशन नहीं होगा। सेकंड जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा BIL होता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। जैसे ही आप अपनी फाइल लॉज करते हो एम्बेसी के अंदर, तो आपको विद इन 24 आवर और मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपका BIL जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा। ये आपको आपके GC की के ऊपर मेंशन होगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लें। ये आपको कंपलसरी आपके बायोमेट्रिक के टाइम पर ले जाना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो आपका होगा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। जैसे आप अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करते हो VFS सेंटर पर, तो आपको वहां से जो है एक कंफर्मेशन लेटर आएगा, जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा। वो आपको जो है प्रिंट आउट करवाना है, वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो है कंसेंट फॉर्म। आपको आपके ईमेल के अंदर एक लिंक भी वो प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप अपने कंसेंट फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी कंसेंट फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें VFS सेंटर कितने टाइम पहले पहुंचना है हमारी बायोमेट्रिक के लिए। सो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी बायोमेट्रिक फॉर एग्जांपल 11 o'clock है, 11 AM पर है, तो आप वहां पर 20 मिनट्स पहले चले जाएं। अगर आप ज़्यादा पहले चले जाते हो तो वो आपको वहां पर एंट्री नहीं देंगे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर 20 मिनट्स पहले चले जाएं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, जैसे ही आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, आपको रिसेप्शन के ऊपर बुलाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको नॉर्मल सर्विस अडॉप्ट करनी है या प्रीमियम सर्विस। प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस पे ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सर्विस अडॉप्ट करते हो, आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल सर्विस अडॉप्ट करते हो, तो उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक कैबिन के अंदर जो है भेज दिया जाएगा। जैसे वहां पर आप एंट्री करते हो तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर दिखाने होते हैं। सबसे पहले वो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, दोबारा आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका BIL, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर एंड देन कंसेंट फॉर्म। उसके बाद वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपके एक पिक्चर जो है वो वहां पर क्लिक की जाएगी। साथ ही साथ आपसे एक ईमेल आईडी भी पूछी जाएगी, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी वो आप उन्हें बता देना। उसके बाद वो कंफर्मेशन के लिए आपका नाम और ईमेल आईडी जो है आपको कंफर्म के लिए बोलेंगे। आप उसे प्लीज एक बार ध्यान से चेकआउट करें, वहां पर नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बायोमेट्रिक के टाइम पे वो आपसे आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी बात करते हैं और इंग्लिश में भी बात करते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उनके इंस्ट्रक्शंस जो है अच्छे से आप फॉलो करें बायोमेट्रिक के टाइम पर। इसके बाद जो है आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाती है, वो आपको एक बारकोड प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका जो बायोमेट्रिक बारकोड होता है वो आपका 10 साल तक वैलिड होता है। आप उसे एक बार स्कैन करके आप अपनी मेल आईडी के ऊपर डाल लें सेफ साइड के लिए। बाय चांस आपसे वो बारकोड जो है कहीं गुम हो जाता है, तो आप जो है उस मेल आईडी से उस बारकोड को दोबारा स्कैन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप जो है उसे सेव कर सकते हैं। सो ये था हमारा फुल प्रोसीजर बायोमेट्रिक का। मैक्सिमम वहां पर आपको 15 to 20 मिनट से लगती है। इसके बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था, वहां पर मुझे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने नॉर्मल सर्विस अडॉप्ट की थी, वहां पर मुझे मैक्सिमम 15 मिनट्स लगे, वहां पर कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। सो ये था बायोमेट्रिक का फुल प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम सर्विस से रिलेटेड कोई डाउट है तो मैंने अच्छे तरीके से उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो के अंदर। नॉर्मल सर्विस में कुरियर के टाइम पर आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, ये सब भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो है आप मेरे चैनल को चेकआउट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट वहां पर मिलेगी स्टूडेंट वीजा प्रोसेस के नाम से, वहां पर आपको जो है हर तरीके की वीडियो वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। GIC से रिलेटेड, आपके फीस से रिलेटेड, आप अपनी ट्यूशन फीस पेमेंट करते समय 15 से 20,000 रुपीज कैसे सेव कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। साथ ही साथ मेडिकल में आपका क्या प्रोसीजर होता है, आप अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट को प्लीज एक बार जरूर चेकआउट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे जरूर शेयर करें। जिस भी बच्चे का कोई भी कंफ्यूजन है बायोमेट्रिक से रिलेटेड और किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।